नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआईटी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ नीलम सूर्य। चलो रुक करते हैं इस वक्त की खबरों की ओर। अंबाला का तेपला गांव सैनिकों का गांव माना जाता है। यहां के करीब 250 से 300 युवा सेना में है। इसके अलावा कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं और कुछ सेना में भर्ती की तैयारी में है। इस गाँव के अब तक 4 युवा शहीद हो चुके हैं। इस गाँव की आबादी मात्र 2500 के करीब है, यानी हर घर से हर युवा भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। अंबाला का तेपला गांव सैनिकों का गांव माना जाता है। यहां के करीब 250 से 300 युवा सेना में हैं। इसके अलावा कुछ रिटायर हो चुके हैं और कुछ सेना में भर्ती होने की तैयारी में हैं। इस गांव के अब तक 4 युवा शहीद हो चुके हैं। इस गांव की आबादी मात्र 2500 के करीब है, यानी हर घर से एक युवा भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। अंबाला के तेपला गांव में हर घर से एक युवा सेना में है। ये वही गांव है जिस गांव का विक्रमजीत था, जो जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गया। ये गांव वीर जवानों का गांव है। इस गांव के हर युवा में देश सेवा की ललक है। इस गांव में हर शहीद के बाद युवाओं का हौसला कम नहीं होता, बल्कि दोगुना हो जाता है। इस गाँव से अब तक 4 फौजी शहीद हो चुके हैं। गाँव के लोगों ने बताया कि इस गाँव से करीब 300 युवा भारतीय सेना में हैं और अलग अलग जगहों पर देश की सेवा कर रहे हैं। इस गांव के 6 युवा सेना में ऑफिसर रैंक पर भी हैं। तेपला के इस गांव ने पहला शहीद 1999 में कारगिल युद्ध में मेजर गुरप्रीत सिंह के रूप में दिया। उसके बाद इस गांव से युवाओं की तादाद भारतीय सेना में ज़्यादा तेजी से बढ़ गई। दूसरा शहीद लांस नायक हरजिंदर सिंह, तीसरा शहीद नायक विनोद और चौथा लांस नायक विक्रमजीत 2018 में हुआ। जो कि मेरा लड़का 13 सिख रेजिमेंट में सर्विस करता था पुंछ एरिया में, वो 8 जुलाई 2005 को मिलिटेंटों के साथ लड़ते टाइम शहीद हो गया था। यही है कि जो हमारा जितना भी गांव है, तकरीबन सारा पाकिस्तानी फौजी जट है, इनके सबके दिल में यही है कि हम देश सेवा करें और अपना समय वो करें। इस गांव के बुजुर्गों ने सेना में जाने की रीत को शुरू किया था, जिसके बाद इस गांव से लगातार युवा सेना में जा रहे हैं। इस गांव की तरफ से कभी भी परिवार के लिए कभी अलग से कोई मांग नहीं रखी गई। विक्रम की मौत से इस गांव के युवाओं का जोश ठंडा नहीं हुआ है, जोश और बढ़ गया है। अब पाकिस्तान के लिए गुस्सा दोगुना हो गया है। विक्रम की माँ भी कहती है कि विक्रम पढ़ने में मन नहीं लगाता, उसे हमेशा पढ़ने के लिए कहा जाता लेकिन वो फौज में जाने की जिद करता। उसने भी मेहनत की और सेना में पहुंच गया। विक्रम का छोटा भाई मनजीत भी सेना में है। रोटी पुछदी आंदी मम्मा अज फोन नहीं आया सोनी दा, मैं कोई डर नहीं, मैं रेंज नहीं आंदी, हुणे आएगा, बस 5 मिनट बाद फोन वजिया, फोन आया पुछदे तुसी विक्रमजीत दे घर तो बोल दिए, मैं हां जी मैं विक्रमजीत दी मम्मी बोलनी आ, डैडी मैं डैडी घर कोनी, कोई भरा मैं वह भी घर कोनी, मैं विक्रमजीत दी हां दे तुहाडा विक्रमजीत सवेरे उग्रवादियों के नाल ऑपरेशन चलता सी शहीद हो गया मेरा बच्चा जो भर्ती होया तो छड़ के सानू टुर गया, साड़ी ते जो सारी जमा पूंजी मेरे बच्चे सी, मैं तो बच्चा तो बिना कुछ नहीं देता, मैं ते अपने बच्चे वेच दी सा ते जींदी सा। गांव में विक्रम की शहादत से गांव के युवा काफी भावुक हो गए हैं। विक्रम की शहादत से गुस्साए गांव वालों का कहना है कि अगर सरकार उन्हें इजाजत दे तो सारे युवा और रिटायर्ड पाकिस्तान पर हमला कर विक्रम की शहादत का बदला ले सकते हैं। गांव के युवाओं ने हल्का मुलाना के विधायक संतोष सारवान के गांव का मुख्य गेट विक्रम के नाम पर और गांव में विक्रम का स्टैचू लगाने की मांग की है, ताकि युवाओं का जोश ठंडा ना हो और वो इससे प्रेरणा लेकर देश की सेवा के लिए हमेशा आतुर रहें। उस बच्चे की शहादत पे जहां मुझे गर्व है, वहां मुझे बहुत आत्मा से दुख भी है, क्योंकि मेरे हल्के का हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चे जैसा है। इस वक्त मैं खुद भी सदमे में हूँ, लेकिन जो भी बातें बच्चों ने, नौजवानों ने रखी हैं, वो सारी हम कोई मांग भी नहीं है, मैं तो इसे मांग भी नहीं मानती, फिर भी इन्होंने जो बात मेरे सामने रखी है मैं उसे पूरा करूँगी। तो हमारे गांव को ऐसे है कि बच्चे पढ़ने के बाद उनमें एक ही जज्बा है,
कि आर्मी में जाके देश की सेवा करना, ये हमारे लिए एक गर्व भी है कि हमारा जो गांव है देश की सेवा में अपना पूर्ण योगदान दे रहा है। आधार नहीं बनने से बैंक खाता हुआ बंद, पैसों की तंगी ने जीना किया दुश्वार, आधार बनाओ या दो इच्छा मृत्यु की इजाजत। सरकार ने बैंक खातों को जब से आधार से जोड़ा है तब से बिना आधार वाले खाते बंद कर दिए गए हैं। ऐसा ही एक मामला रेवाड़ी के गांव खोड़ी से सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। गांव खोरी की रहने वाली एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला का आधार नहीं बनने से वो काफी दिनों से परेशान है। बैंक खाता बंद होने के बाद भूखा मरने की नौबत आ गई है। महिला ने करीब 11 बार आधार केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण करवाया लेकिन उसका आधार कार्ड नहीं बना। ऐसे में उसका बैंक खाता बंद हो गया और उसको मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन भी बंद हो गई। अब उसने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। हम बहुत परेशान हो गया, खूब खिंचवा दापिया नहीं बनी, फिर हमने इसे कही ये मर घर गए। जब हमने मरने की कही मेरा सब कुछ बंद होगा, राशन 2 साल होएगा, पेंशन बंद हो गई, बैंक का खाता बंद होएगा, फिर मैं क्या करूँ बताओ, परेशानी होगी। मैं 4.5 साल पहले कोर्ट में घूमते घूमते किसी ने सुनाई नहीं करी। सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता कैलाश ने जब इसे लेकर कोर्ट में केस दायर किया तो कोर्ट ने उसका आधार बनाने का आदेश जारी किया। मैंने सारा डाटा कलेक्ट करके सरकार को मैंने स्वयं चिट्ठी लिखी परंतु उससे भी कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने हार के अम्मा जी का एक संबंधित न्यायालय में केस दायर किया। मैं चंडीगढ़ से स्पेशल टीम रेवाड़ी आई और वहां आधार की दोबारा प्रक्रिया करके लेके गई और जब हमने केस डाला हुआ था उसके केस के एक दिन पहले ही आधार अम्मा जी के पास में भिजवा दिया गया और कोर्ट में उसकी कॉपी दे दी गई। इसके बाद चंडीगढ़ से 10 सदस्यों की एक टीम रेवाड़ी पहुंची और महिला का आधार अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश किया गया। महिला को आधार तो मिल गया लेकिन अभी तक उसे बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही हैरान करने वाली बात यह रही कि काफी बच्चों को भी आधार के बिना स्कूलों में दाखिला नहीं मिला। इसे लेकर सीजीएम कीर्ति जैन के आदेश पर 80 वॉलंटियर्स की एक टीम गठित की गई और उसे जिम्मेवारी सौंपी गई कि जिले में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की तलाश की जाए जो किसी भी कारण स्कूल नहीं जा रहे हैं। टीम ने ऐसे 354 बच्चों की तलाश की। सीजीएम जैन ने एक विशेष बैठक बुलाई जिसमें टीम के सदस्यों और जिला शिक्षा अधिकारियों को भी शामिल किया गया और आदेश दिए गए कि इन सभी बच्चों को स्कूल में दाखिल किया जाए। अगर आधार की वजह से रुकावट आ रही है तो ऐसे में बच्चों के माता पिता के आधार पर उनको स्कूल में दाखिला दिया जाए। आज की हमने सभी बीओज जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बुलाया हुआ है, जो हमने सर्वे किया था अपने पैनल और वॉलंटियर्स के थ्रू, राइट टू एजुकेशन 6 to 14 years चिल्ड्रन जो बाहर हैं, जो अभी तक स्कूल में नहीं जिनको एडमिशन मिला है उनका हमने सर्वे कराया और उनके सर्वे के तहत हमें पाया गया कि 354 ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाया जिनको, तो उनकी एडमिशन कराने के लिए ही हमने बीओज और डीईओ को बुलाया था। डीईओ के ऑफिस से अब तक टीम ने 170 से ज्यादा बच्चों को स्कूल की चौखट तक पहुंचाया है जो कि एक सीजीएम की अच्छी पहल मानी जा रही है। उनका मानना है कि हर एक बच्चा शिक्षा का पात्र है और हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए।